नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली है गर्ल्स के लिए और उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि लड़कियां कब से एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स के लिए नोटिस जारी किया है कि लड़कियां भी अब एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं, तब से ये सवाल बार बार रिपीट होता जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि गर्ल्स कब से एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगी। तो आपके जितने भी डाउट्स है सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, तो बस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आते ही हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल पर, सभी जगह सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ ट्रेंड कर गई, वायरल हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि अब गर्ल्स एनडीए में जा सकती हैं। अब बहुत सी गर्ल्स को तो ये पता भी नहीं था कि एनडीए होता क्या है, क्योंकि बहुत कम गर्ल्स हैं जो इंडियन आर्मी में या डिफेंस मिलिट्री में जाने का सोचती हैं, लेकिन जो सोचती है वो जरूर सोचती हैं। तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, और जो जाना चाहती है, जिनके मन में थोड़ा सा भी है कि हाँ वो इंडियन डिफेंस में जाए या फिर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन करें एज ए ऑफिसर, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ठोक दो और घंटी वाले बटन को मुक्का मार दो, क्योंकि आप सभी के लिए मैं यहां पर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। और पीडीएफ नोट्स और फ्री की बुक्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीडीएस के एग्जाम से। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, बेसिक से आप सभी को समझाऊंगा कि कैसे ये कंसेप्ट वर्क करता है। देखिए, हम सीडीएस की बात करते हैं क्योंकि सीडीएस की एग्जामिनेशन के अंदर गर्ल्स ऑलरेडी अपीयर हो सकती हैं, सीडीएस के एग्जाम को गर्ल्स ऑलरेडी दे सकती हैं। लेकिन क्या सीडीएस का एग्जाम शुरुआत से ऐसा ही था? क्या गर्ल्स शुरुआत से सीडीएस के एग्जाम को दे सकती थी? नहीं, क्योंकि एनडीए और जो सीडीएस है ये दोनों एग्जाम दोनों बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों एग्जाम्स को जो कंडक्ट करवाता है इनका जो उस्ताद है वो यूपीएससी है, दोनों को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो सीडीएस एग्जाम है जिसे हम कंबाइंड डिफेंस सर्विस कहते हैं, तो इस एग्जामिनेशन में भी पहले गर्ल्स कभी अलाउ नहीं थी, यहां पर गर्ल्स अलाउ नहीं थी। लेकिन उसके बाद में कुछ टाइम बाद जब गर्ल्स ने अपनी आवाज उठाई कि गर्ल्स को भी मौका मिलना चाहिए इंडियन डिफेंस में जाने का, एक ऑफिसर रैंक पर जाने का, तभी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि सीडीएस के एग्जाम में गर्ल्स को अपीयर होने का मौका दिया जाए। और तभी यूपीएससी ने अगले साल ही कर दिया गर्ल्स को अलाउ, लेकिन केवल वहां पर शॉर्ट कमीशन के तौर पर किया गया, केवल शॉर्ट कमीशन के तौर पर इनको अलाउ किया गया। उसके बाद में इनको परमानेंट कमीशन भी मिलने लग गया है। तो ये सीडीएस के एग्जाम की स्टोरी है। अब यही पूरी की पूरी स्टोरी रिपीट हुई है हमारी एनडीए की एग्जामिनेशन में, सेम टू सेम है। एनडीए की जो एग्जामिनेशन है हमारी, इस एग्जाम को भी कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है। और आज से पहले एनडीए के एग्जाम में गर्ल्स कभी भी अलाउ यहां पर नहीं थी पहले से। सो गर्ल्स अलाउ नहीं थी, तो अब गर्ल्स ने आवाज उठाई कि उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो यहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट भाई साहब ने फिर से अपना नया आदेश जारी कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गर्ल्स अब अलाउ है किसके अंदर? एनडीए के अंदर। लेकिन ये आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ना कि यहां पर एनडीए ने ये आदेश जारी किया है। तो जब तक एनडीए की ओर से ऑफिशियली कोई सूचना नहीं आती कि कब से गर्ल्स एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं, भर पाएंगी या नहीं भर पाएंगी, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी जाएंगी, किस तौर पर उन्हें शामिल किया जाएगा शॉर्ट कमीशन या परमानेंट कमीशन, और किस तरीके से उनकी भर्ती करवाई जाएगी, उनके लिए अलग से पोस्ट बनाई जाएंगी या इंक्लूड कर दी जाएंगी, वो सारी की सारी जानकारी आप और हम तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि ये सारी जानकारी यूपीएससी एनडीए जो है वो डिसाइड करेगा और वही यहां पर जारी करेगा। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया अपने हिसाब से, लेकिन अभी तक एनडीए की ओर से इसके कोई भी रेस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है एनडीए की ओर से कि भाई कैसे करना है, होगा भी नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बीच में आपके केवल कुछ सेकंड लेकर मैं आपको बहुत काम की चीज़ बताने जा रहा हूं। आपने ग्रेड अप का नाम तो जरूर ही सुना होगा, अगर इसका नाम नहीं सुना है तो आपको मैं इसके बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं। अगर आप दोस्तों एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अग्नि बैच जो ग्रेड अप पर अभी एनडीए सेकेंड 2021 के लिए शुरू हुआ है, 3 सितंबर को आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एनडीए 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज हो कोई मैटर नहीं करता, बस
आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप संकल्प के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो 9 सितंबर को शुरू हुआ है। इस सभी के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। एफओस के लिए भी नए कोर्स शुरू हो चुके हैं जो 6 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। साथ ही अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक मास्टर कोर्स जो आपको एसएसबी में 100% सफलता दिलाएगा, यह कोर्स आपका 5 सितंबर से शुरू हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोर लिंक से आप ग्रेड अप सुपर के सभी जो कोर्सेस है उन सभी को चेक कर सकते हैं, इन सभी की प्राइसेस चेक कर सकते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, वो नोटिस तो यहां पर ऑलरेडी वायरल हो चुका है, लेकिन इस नोटिस के बेसिस पर कोई कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अभी तक यूपीएससी की ओर से या फिर एनडीए खड़कवासला की ओर से इस नोटिस का कोई रेस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया गया है, कोई भी इसका जवाब नहीं आया है कि एनडीए में गर्ल्स कब से अलाउ होंगी, कब से गर्ल्स एनडीए का फॉर्म भर सकती हैं, कब से वो एनडीए के लिए अपीयर हो सकती है। तो अब अगर आपको कोई भी अपने मन से बताए कि ये एलिजिबिलिटी होगी तब से भर सकती है फलाना ढिमका, तो कोई इसका विश्वास मत करिएगा क्योंकि जब तक ऑफिशियली सूचना नहीं आती तब तक कोई कुछ भी नहीं कह सकता। और जैसा कि सीडीएस में हुआ था वैसा ही पूरी पॉसिबिलिटी है कि एनडीए में भी होगा और आप सभी को पूरा मौका यहां पर मिलने वाला है। तो चलिए अब दूसरी बात हम करते हैं कि कब तक हमें यूपीएससी की ओर से या एनडीए की ओर से रेस्पॉन्स मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारा यूपीएससी हमारा जो नोटिफिकेशन जारी करेगा एनडीए फर्स्ट 2022 का, जब 2022 के लिए एनडीए का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको सारी सूचना देखने को मिल जाएगी कि गर्ल्स कब से अलाउ है, कैसे फॉर्म भर सकती हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या उनके लिए वैकेंसी अलग से होंगी या फिर रिजर्व्ड होंगी या उनको उसी के अंदर कंबाइंड कर दिया जाएगा, सारी सूचना इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको मिलेगी या फिर स्पेशली कोई ऊपर से पहले कोई नोटिस वो जारी कर सकता है जिसमें आपको सूचना मिलेगी। तो हम बस एक ही काम कर सकते हैं, अब हमें इंतजार करना है एनडीए फर्स्ट के नोटिफिकेशन का। और ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया जाएगा दोस्तों दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि एनडीए का दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी फर्स्ट वीक में ही नोटिफिकेशन आता है, तो कन्फर्म है कि तभी इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो बस उसका इंतजार करते रहिए आप सभी, उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको सारी सूचना बिल्कुल डिटेल से मिल जाएगी। तब तक धैर्य के साथ मेहनत करते रहिए और हमारी ओर से जितनी भी जो गर्ल्स जो हमारी सिस्टर्स हैं जो एनडीए में एयरफोर्स में नेवी में या इंडियन डिफेंस में जाना चाहती हैं, जिनका सपना है अपने देश की रक्षा करने का, अपने तन पर वर्दी पहनने का, उन सभी का हम मोस्ट वेलकम करते हैं, स्पेशली एनडीए में उनका मोस्ट वेलकम करते हैं कि अब वो भी उनको भी एक समान मौका मिलने जा रहा है। और जरूरी है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि अगर सीडीएस की बात करें तो सीडीएस में एक बहुत लंबा टाइम लग जाता है। जब हम 12th पास आउट करते हैं तो बॉयज को डायरेक्ट 12th अपेयरिंग ही मौका मिल जाता है, जबकि गर्ल्स के लिए उनके 12th करने के बाद उन्हें ग्रेजुएशन करनी पड़ती है या बीई बीटेक करना पड़ता है, उसके बाद में वो यहां पर अप्लाई हो सकती हैं, कर सकती हैं। लेकिन अब उन्हें डायरेक्ट मौका मिल रहा है, उन्हें हमारे बराबर अधिकार मिलने जा रहे हैं, तो अब समानता का अधिकार, अब हम भी उनको टक्कर देंगे, वो हमें टक्कर देंगी, तब हमें और भी ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा और पढ़ने में हमें मजा आने वाला है। कंपटीशन डायरेक्टली वैसे नहीं बढ़ेगा क्योंकि पूरी यहां पर यही रहेगा, सीडीएस की तरह यहां पर गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड वैकेंसी अलग से कर दी जाएंगी, तो वहां पर कोई कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। लेकिन हां आपको पता लग पाएगा कि हां आपके साथ और भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो उनके नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो बढ़ने वाले हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, अपने सपने के लिए मेहनत करते रहिए। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल पर आपको लगातार वीडियो मिलते रहते हैं। आज से काफी टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था, क्या गर्ल्स एनडीए का फॉर्म भर सकती है, ये वीडियो हमने आज से काफी टाइम पहले बनाया था जब गर्ल्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। वो वीडियो काफी अच्छा चला, उस पर काफी अच्छे व्यूज आए, काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया। और वह रेस्पॉन्स कब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, और इसके बाद में उस वीडियो में हमें भर भर के प्यार मिला, भर भर के गालियां दी गई कि भाई अब तो अलाउ हो चुकी है, अब कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे। तो अभी इन्फॉर्मेशन का वीडियो आ चुका है, तो इस वीडियो को ठोक कर प्यार देना, पूरे अच्छे से शेयर करना, दो चार दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट अपने बडीज के साथ शेयर करना और सपोर्ट करना दिल से इस चैनल को, क्योंकि यहां पर हम केवल आपके लिए काम करते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और किसी वीडियो में, तो जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए अपने सपने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।